हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं और वहां पर आपको जियो टीवी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है, वो कैसे करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू इंस्टॉल जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन ऑन स्मार्ट टीवी। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो प्ले स्टोर है, जो गूगल प्ले स्टोर है, उसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपने जिस आईडी से लॉगिन करके रखा है, जस्ट आपको यहां पर प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपको यहां पर ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पर जाना है ये सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप आ जाओगे तो गाइस यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको जाना है यहां पर पेरेंट कंट्रोल का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, आपको जस्ट ये चेकबॉक्स चेक करके रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन चेक कर लेना है आपके टीवी के अंदर। अगर आपका यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट है, जस्ट आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बैक आ जाइए, यहाँ पर भी बैक आ जाना है और यहाँ पर गाइज आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट का। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये अगर आपका चेकबॉक्स अनचेक है, अगर ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट, यहाँ पर इसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, और बैक आ जाइए, बैक आ जाना है। यहाँ पर गाइज आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च का, ऊपर की तरफ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको टाइप करना है जियो। ठीक है, जैसे आप यहां पर जियो टाइप करते हो तो देखिए गाइज यहां पर आपका जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन आपको यहां पर दिख जाएगा। यहां पर जाना है इसके ऊपर और इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको इंस्टॉल कर लेना है ये। गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, डाउनलोडिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपका जो इंटरनेट है वो उसका स्पीड कितना है। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं जब तक यहाँ पर ये कंप्लीट डाउनलोडिंग नहीं हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर चल जाएगा। तो गाइज देखिए, यहाँ पर हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, आपको बैक नहीं जाना है, आपको रिमोट से बैक नहीं करना है आपके जो ये इंस्टॉलेशन को। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे जब तक यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो गाइज देखिए, यहाँ पर हमारा जो जियो टीवी एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे टीवी के अंदर। अभी आपको क्या करना है, ओपन बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो टीवी है उसके अंदर ये लॉन्च हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, लॉगिन करना है आपके फ़ोन के अंदर, फ़ोन के साथ इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं इस पर जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ पर एक OTP आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो OTP पर आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ। सो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपको कुछ मदद मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।